कि ये देखो दोस्तों, छत का कुछ ऐसा लगा हुआ है। और ये वाला जो देख रहे हो आप, देखो ये, देखो ये मतलब लास्ट टाइम वाला है, ठीक है। तो देखो हर साल मतलब मेरे ख्याल से 2 से 3 बार बनाते हैं लोग छत का। एक ऐसी डिप्टो नीचे भी है, वो भी देखता हूँ आपको, तो कैप्चर करके दिखाता हूँ वो भी आपको मैं। तो व्हाट्स अप लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट रॉय। और आज देखो बहुत दिन बाद जाके मैं कुछ व्लॉग कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही है। पता नहीं टाइम का इतना ज़्यादा इशू आ रहा है मेरे को, व्लॉग कर ही नहीं पा रहा हूं। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ करता हूं व्लॉग आज। और देखो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे घर में आया बहुत ज़्यादा मधुमक्खी के छत्ते, मतलब 2 इतने बड़े बड़े छत्ते लगे हैं। तो अगर किसी को पता हो ना कि मधुमक्खी छत्ता घर में होना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं आपको बता दूँ, मतलब ये जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, ये मेरे घर में मतलब एक साल में 2 बार या 3 बार बनाते हैं ये लोग मधुमक्खी छत्ता, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नीचे लेके आपको, और नीचे जाके दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े छत्ते हैं। देखो दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों, छत का कुछ ऐसा लगा हुआ है। और ये वाला जो देख रहे हो आप, देखो ये, देखो ये मतलब लास्ट टाइम वाला है, ठीक है। तो देखो हर साल मतलब मेरे ख्याल से 2 से 3 बार बनाते हैं लोग छत का। एक ऐसी डिप्टो नीचे भी है, वो भी देखता हूँ आपको, तो कैप्चर करके दिखाता हूँ वो भी आपको। छोटा सा क्लिप मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, और वो क्लिप क्या है, मतलब जिस दिन छत्ते लगे थे ना यहाँ से, अप्रॉक्स 1 महीने पहले छत्ता लगा था, तो उस दिन बहुत छोटा था, ठीक है, स्टार्टअप था, मतलब फर्स्ट डे था। उस दिन बहुत ज़्यादा मधुमक्खी भिनभिनाती है, तो वो भी क्लिप मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। तो आप देखो 1 महीने पहले कितना छोटा छत्ता था ये। अब दिखाता हूँ मैं नीचे वाले फ्लोर का छत्ता। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी है, ये देखो इतना बड़ा है, मतलब मेरे पूरे फ़ोन के कैमरे में कैप्चर हो रहा है। इधर से थोड़ा ब्लर वाला भी आ रहा होगा, इस साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये देखो इतना बड़ा छत्ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा छत्ता है। सेकंड फ्लोर से ज़्यादा ये वाला है, मतलब फर्स्ट फ्लोर का ज़्यादा बड़ा छत्ता है। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा दूँ लास्ट ईयर की भी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो जो हमारे यहाँ पे छत्ता लगता है ना, तो हम मतलब खुद मार के नहीं भगाते हैं, एक बार भी नहीं भगाया हमें। जब ये मतलब खुद चले जाती है, उसी के बाद हम मतलब छत्ते को तोड़ते हैं, और जो थोड़ा बहुत अगर हनी निकल जाता है तो वही हम रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो देखो बहुत, मतलब बहुत लोग भी बोलते हैं कि भैया यार हमें दे दो, आप रात में सो जाना, हम तोड़ लेंगे और आपको थोड़ा पैसे दे देंगे, थोड़ा हनी दे देंगे। बट हम नहीं करते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि यार देखो नहीं करना चाहिए ऐसा। पालतू मतलब खुद आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हनी हमें मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हनी नहीं मिलता है। जब ये चले जाते हैं थोड़ा बहुत हनी बच जाता है, ठीक है। तो आप ये क्लिप देखो, छोटी सी क्लिप। तो दोस्तों देखो शाम का टाइम है, और आज थोड़ा मन कर रहा है मेरे को मैगी खाने का, तो मम्मी मैगी बना रही है। तब तक मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ना जो मतलब मेन रोड पे ही हमारा घर है, तो मैं आपको सबसे पहले रोड दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं इस टाइम अपने घर के छत के ऊपर, ठीक है, और एक चीज़ दिखाऊँ, ये है मतलब रोड, ठीक है। और इस रोड से मतलब जो भी बंदा निकलता है ना, सबसे पहले मतलब उसकी नज़र एक बार ऊपर जरूर जाती है, क्योंकि देखो 2 फ्लोर है और दोनों फ्लोर में मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ कैप्चर करके, अगर कोई आता जाता हो और नज़र ऊपर जाती है उसकी, तो मैं वो भी कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो एक भाभी खड़ी है, भाभी देख रही है ऊपर को। मैगी बन गई अपने लिए, ये देखो मैगी। और सामने का व्यू देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, वो देखो पहाड़ दिख रहा है ना, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो अब सोच लो मेरे घर से बैठ के ये नज़ारा आ जाता है, लोग तो तरसते हैं ऐसे नज़ारे के लिए, बट अपने घर पे ऐसे नज़ारा है, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं।
सो पीपल होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो पता नहीं क्या करना है, थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर कर देना। और एक चीज़ और बताऊं, जिसको पता है मधुमक्खी के छत्ते के बारे में मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ आपको और बता दूं, देखो मेरा कज़न है दिल्ली से आने वाला, वो भी यूट्यूबर है, तो उसको भी थोड़ा बहुत घुमाना। देखो उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं आऊँगा, तो मेरे लिए टाइम ज़रूर निकालना। तो यार 2-3 दिन टाइम उसको देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसको घुमाना पड़ेगा इधर उधर। देखो मैंने तो सारा कैप्चर कर रखा है, नैनीताल भीमताल और जितने भी लेक वगैरह हैं मेरे यहाँ पे, तो वो आएगा तो उसके साथ भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। और टेंशन ना लो दोस्तों, अब मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो और प्यार दिखाओ, और जिसको पता है कॉमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं बढ़िया से व्लॉग में, टिल देन बाय।